सब तो पहला दसम पिता द्वारा बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाई है। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की। मैं तुहाडे सामने एक लैक्चर पेश करन लगी हाँ जिसका विषय है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महिमा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महिमा बयान सका मैं ता खाखी पुतला हां मेरी ये मजाल की गुरुआ ते पीरा ने दंडियोत कीती इस अगे वाली जो जहान दा इसे दिए मालकी। आज मैं चवर शतर तखत दे मालक दीन दुनिया दे रखवाले जगदी जोत जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला परपूर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महिमा बयान करन लगी हां जो जिथे सांझी वालता दा उपदेश मनुखता नू दिंदे हन ओथे ही खोखले वहमा परमा कर्मा कांडा दा पर्दा फाश करदे हन। गुरु अगम है अगोचर है निर्मला है साडी की औकात के असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महिमा बयान कर सकिए। कोई मीडिया बूंदा दी गिनती करना चाहे तब कर सकदा है। कोई तारिया दी गिनती करन दी कोशिश करना चाहे तब कर सकदा है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महिमा नु बयान नहीं कर सकदा। साडी रचना जवाब दिंदी है इसे दी बाणी शीतल है जो तपदिया हृदया नु ठंडा ठार कर दिंदी है। इसे दी बाणी दी शक्ति सी जो अनेका सिख चरखड़िया ते चढ़ गए बंद बंद कटवा गए उबल दिया देगा विच उबल गए पर सिखी सिदक तो ना डोले। मीर मनु दी कैद विच सिख बीबियां ने सवा सवा मन दे पीसने पीसे बंदा सिंह बहादुर दे चार साल दे पुत्तर दा कलेजा कट के ओना दे मुंह विच तुनिया गया पर ओ घबराए नहीं क्योंकि ओना दे हृदय विच शब्द वस चुका सी। ऐसे महान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना श्री गुरु अर्जन देव जी ने सन 1604 ईस्वी नु रामसर सरोवर दे कंडे बैठ के करवाई अते इस विच 5 गुरु साहिबाना 11 पट्टा 15 भगता ते 3 गुरसिखा दी बाणी दर्ज करवाई। ख्याल करना जी 9वे पातशाही दी बाणी मगरों दर्ज करवाई गई अते पहले ग्रंथी दी सेवा बाबा बुड्ढा जी नू सौंपी गई। इतिहास गवाह है जदों इस नूरानी जोत दा प्रकाश होया समुच्चे ब्राह्मण विच चानण हो गया। बाबा बुड्ढा जी दी रसना दा पहला हुक्मनामा संता के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम उच्चारण होया। कहंदे ने बंसपति चो रस चोपिया मानो सारी कायनात इस दा नजारा मान के विस्मादी हो रही सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीर दा सुखासन श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने निजी स्थान ते कीता जिथे के ओ बिस्तर लगा के आराम करदे सन पर हुण हेठा करन लग पए। इस गल तो स्पष्ट हुंदा है गुरु जी ने दे नालो शब्द नू उच्चा दर्जा दिता। पावे गुरगद्दी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1708 ईस्वी विच बख्शी पर सत्कार पहला तो ही हुंदा आ रहा सी जदों श्री गुरु नानक देव जी तो सिद्धा ने उन्ना दे गुरु बारे पुछिया कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ता गुरु जी ने जवाब दिता पवन रंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तन चेला। पाव के गुरु जी ने शब्द नू गुरु दा दर्जा दिता। इस संसार विच पहला ग्रंथ सी जिस नू गुरगद्दी ते सुशोभित किता गया। संसार विच बहुत सारे ग्रंथ ग्रंथ दा दर्जा रखदे हन पर सिर्फ एक ग्रंथ गुरु दा दर्जा रखदा है। ए ओही जोत है जो श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहणे अंदर टिका के गुरु अंगद देव बना दिता सी। जोत गुरु साहिबाना दे समय तो चलदी आई है
गुरु की गद्दी मिलन नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिख धर्म दे युगा युग अटल शब्द गुरु थापे गए। धार्मिक तौर ते इस ग्रंथ दिया कुछ खास विशेषतावां हन। पहली ए इसकी संपादना श्री गुरु अर्जन देव जी की निगरानी हेठ हुई अते इसकी प्रमाणिकता ते कोई शक नहीं रह जांदा। ए बाणी संतां सतगुरां भगतां दीआं आत्मावां अते अकाल पुरख नाल इक सुर लीन होके तैयार कीता होया अनुभव है। इसकी संपादगी बड़े कमाल दी है। अंकां दा वेरवा शब्दां दा जोड़ रागां दी तरतीब बड़े कमाल दी है। ए तुर्की बाणी है। बाणी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं शिंगारिया होया है। ए किसे मनुख दे निजी विचार नहीं हन, ए तां करते पुरख दे घर दीआं गल्लां ने। श्री गुरु नानक देव जी कहंदे हन, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। तीजे पातशाह कहंदे हन, मैं आपे कुछ नहीं कह रहा, जो प्रभु वालों मैनू ज्ञान हुंदा है ओही तुसानू दस रहा हाँ। हो आपे बोल ना जानदा मैं कहा सत हुक्माओ जियो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी जात पात दी चल रही वर्ण वंड नू करारी सट मार दी है। जिथे साडा समाज नीविया जाता नू शूचा कह के पुकारदा दुरकारदा है, ओथे ही गुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच नीवे कहे जान वाले भक्तां दी बाणी शामिल करके सन्मान दिता ते नाल ही जात पात दे अभिमानियां नू एह कह के सट मारी, जात का गर्भ न कर मूरख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी जिथे एक फिरके जा विशेष बोली लई नहीं सगों मानवता लई है। गुरु जी दी बाणी दे बाणीकार किसे एक मजूब दे नहीं सगों वक वक धर्मा जाता विच जम्मे पले अध्यात्मिक शिखर तक पहुंचे हुए महापुरखन। इस बाणी दा उपदेश चौह वर्णा लई सांझा है। उपदेश चौह वर्णा को सांझा आकार दे पक्षों भी इस ग्रंथ दे मुकाबले कोई ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ मनुख नू सुचज्जी जीवन जाच बख्शदा है। डॉक्टर ट्रंप लिखदा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भारतीय भाषावां दा खजाना हन। इस विच सादगी संजम अते सहज है। तीजे पातशाह कहंदे हन, बाणी जैसा नाही कोय, वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। एह शब्द एक जगदा होया दीवा है जो ज्ञान दे नाल चानन करके अज्ञानता दे हनेरे नू दूर कर दिंदा है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सृष्टि ली रहमता दा खजाना खोल लिया और रब ते तू रूप विच पंजवें स्वरूप विच सृष्टि ली रहमता दा खोलिया खजाना है। ओ करा किदा सिफत सलाह तेरी दातिया, तेरिया ही कीर्तियां नू गा रिया जमाना है। एह लसानी तोहफा सानू शहीदां दे सरताज तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी ने बख्शिया अते 1708 ईस्वी नू श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने नदेड़ दी धरती दे इकट्ठ विच सखशी पूजा नू उका त्याग के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरगद्दी बख्शी अते नाल ही हुक्म जारी कीता, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो आओ असी भी अपने गुरु दे दसे होए मार्ग ते चलिए ते अपना जीवन सफल बना लिए। लैक्चर विच होइया पुला चुका दी खिमा बख्शनी एक बार फिर फतेह नाल सांझ पाए। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।